बेटी तो नाम का हुआ है? कैसे में बंद हुई हो? एमए कैसे बंद हुई हो? नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बदलापुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बदलापुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कंपोजिट विद्यालय फत्तूपुर में अध्यापकों से हुई बड़ी लापरवाही। मासूम बच्ची को विद्यालय के कमरे में बंद कर चले गए घर। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शुक्रवार को लगभग 6 वर्षीय कक्षा 1 की छात्रा प्रियंका पुत्री जगदीश निषाद को छुट्टी होने के बाद विद्यालय के कमरे में बंद कर अध्यापक घर चले गए। घंटों देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो अभिभावक परेशान होकर खोजबीन करना शुरू कर दिए। ग्रामीणों की माने तो लगभग 1 घंटे तक बच्ची कमरे में रोती रही। विद्यालय के बगल से गुजर रहे किसी ग्रामीण ने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो आसपास के लोगों को बुलाकर डरी सहमी बच्ची को किसी तरह दरवाजे के बाहर निकाला गया। आक्रोशित परिजनों ने अध्यापकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या है आरोप। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद पता चलेगा। यह खास रिपोर्ट थी जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर न्यूज के साथ। धन्यवाद। बेटी तुम्हारा नाम का हुआ है? कैसे में बंद हुई हो? एमए कैसे बंद हुई हो? पढ़ाई जा रहा है, ओकरे बाद ताला बंद करके मास्टर चला गए, हमसे हेर लिया गए। तब वहाँ स्कूल पे जा गए, रोबत रही भीतर कैसे मिसार गए, तब ओका फाड़ के ताला बंद रहा। हाँ भैया, 2 घंटे रोबत वहीं बेहोश हो जात, मर जात, कहाँ से पाई लड़के का हमारे साथ पढ़ाई स्कूल में बंद कर चला जात गए। और जो नहा इतना परेशान हो गए, हेरत गए, कुल लड़कियन चला आए, लड़कियन के देखन में आए, हमसे जात गए, वहाँ लड़के रोवत रही, तो वहाँ से निकाली गई लड़के दरवाजा खोल के। सुबह 3 बजे निकल ना पाए, सोई गई। हम आए 1 घंटा बाद, हेरे लगे, मतलब पाए ना, फिर गए स्कूल में। स्कूल में आवाज सुने, रोवत रही, तब रोवत के आवाज पाए, तब बुलाए। क्या ताला बंद था उसमें? ताला बंद।